एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, हल्के हैं और शादी पार्टी का फंक्शन है तो आप किस तरीके का हेयर स्टाइल करोगे। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और मतलब पता नहीं चलता है कि कैसा हेयर स्टाइल करें ताकि अच्छा लगे। तो मैं आज आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप पतले हल्के बालों के साथ बहुत सुंदर सा बिग बन बना के बना सकते हो। अपने छोटे बालों पे भी, पतले हल्के बालों पे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, शोल्डर लेंथ होना चाहिए। इसमें आपको एक डोनेट बन लगेंगे या फिर पैड बन, अगर आपके पास पैड बन नहीं है तो पैड बन से बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट डोनेट बन से भी हो जाएगा। तो मैं डोनेट बन से आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये डोनेट बन सबके पास मिल जाता है, पैड बन सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिल जाए। और मेरे इंस्टा आईडी पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो एंड कॉमेडी वीडियो देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बहुत बातें होगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरा चैनल जो है जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा, प्रीति तिवारी सेकेंड चैनल है। तो पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है बालों की इस तरीके से। ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद से आपको बैक के जितने भी हेयर हैं उनको एक हाई पोनी बना लेना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली है। देन सारे बालों को ऊपर की तरफ एक पोनी बना लूँगी। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपका हेयर छोटा है, पतला है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा शादी फंक्शन में, गाउन ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ, कोई भी मतलब पार्टी वेयर ड्रेस पहन रहे हो तो ये हेयर स्टाइल आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। तो टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेना है, थोड़ा सा रबड़ बैंड को लूज करना है, देन नीचे फिंगर इंसर्ट करना है इसके अंदर इस तरीके से, और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच लेना है सारे बालों को ताकि जो आपका रबड़ बैंड है वो हाइड हो जाए। ओके, अब आपको क्या करना है, अपना डोनेट बन लेना है और जहाँ पे मतलब रबड़ बैंड आपने खींच के लगाया हुआ है वहीं पे डोनेट बन को अच्छे से यूपिन की हेल्प से सेट कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पोनी को ऊपर रखना है, देन डोनेट बन को यहाँ पे सिक्योर करना है कुछ इस तरीके से। दो यूपिन्स लगा लीजिएगा ताकि जो आपका बन डोनेट बन है वो अपनी जगह से इधर उधर ना सके। ओके, अभी आपको क्या करना है, अपना एक कॉम ले लेना है पतले दांतों वाला। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कॉम लिया है और जो आपका छोटा सा हेयर बचा है उसके अंदर इस तरीके से बैक कॉम्बिंग कर करके अपने हेयर को डोनेट के ऊपर इस तरीके से फैलाना है ताकि, क्योंकि आप डायरेक्ट फैलाओगे तो आपके पतले बाल हैं तो आपका डोनेट बन जो है वो दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से निकालोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ओके, और अभी जो भी हेयर बचे हैं उनको ऊपर की तरफ से ऐसे एडजस्ट कर देंगे। और जैसे हम लोग यहाँ पे रबड़ बैंड लगा के सारे हेयर को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो वैसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको लेना है, इस बालों का टू पार्ट में डिवाइड करना है बालों को और इनको आपस में इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और उसके बाद से साइड से बालों को हाइड कर देना जो एक्स्ट्रा हेयर है। अब यहाँ पे आपको यू पिन से इसको सेट कर लेना है। बहुत ही प्यारा सा बिग सा आपका छोटे पतले हल्के बालों में बन बन के रेडी हो जाएगा जो कि पार्टी लुक के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। तो फ्रंट से आपका कुछ लुक इस तरीके का आ रहा है, देन साइड से ऐसा आएगा। जो भी आप पीने लगा रहे हो वो स्कैल्प के साथ और डोनेट बन के साथ टच होने चाहिए। तो बैक से ऐसा लग रहा है, फ्रंट से ऐसा लग रहा है। अभी ये जो हेयर हैं आपके उनको आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच लेंगे। ओके, ताकि थोड़ा सा फ्रंट में भी हमारा वॉल्यूम दिखे बालों में। अब साइड पार्टीशन करेंगे बालों की, सॉरी, साइड पार्टीशन करके जो इस साइड के हेयर हैं, जैसे यहाँ पे बहुत कम हेयर बच गए हमारे तो इस तरीके से थोड़ा सा हेयर उठाएंगे
एंड इसमें बैक कॉम्बिंग करेंगे जिससे कि हमारा ये यहाँ पे वॉल्यूम आ जाए बालों में। ओके, इतना करने के बाद से आपको थोड़ा सा हेयर और ले लेना है इधर से बालों का, एकदम पतला सा सेक्शन लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और इनको अच्छे से कॉम करके सारे बालों को ले लेना है एक साथ, देन ट्विस्ट करना है ताकि इसके अंदर जो बाल था हमने बैक कॉम्बिंग किया था वो इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है, जिससे कि हमारे बालों में वॉल्यूम दिख रहा है और साइड स्कैल्प भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ से इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और साइड में ला के यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो जिनके बहुत पतले बाल हैं बट थोड़े से लंबे हैं और पतले हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बन उनको ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि वो अपना पतले बालों में अच्छा सा बन बना सकें। अभी आपको इस साइड से जो हेयर हैं इनका पतला पतला सा सेक्शन लेना है, इस तरीके से फैलाते जाना है, ऊपर से लेके जाना है और बन के चारों तरफ लपेट देना है और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। थोड़े से यू पिन इसमें ज़्यादा लगेंगे तो आप उसको अपने पास पहले से रख लीजिएगा जब आप हेयर स्टाइल स्टार्ट करोगे तभी। ओके, फिर से हमारा ये निकल गया है। आप चाहो तो बॉबी क्लिप्स का भी यूज कर सकते हो जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग सा रहे। फिर सेकंड लेयर लेंगे, ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे, इसको ऐसे फैलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगेन जो लास्ट वाला बचा हुआ सेक्शन इसको भी लेंगे और इसको ऊपर से लेके आ जाएंगे इस तरीके से और बन के चारों तरफ लपेट देंगे और यू पिन से अच्छे से हेयर स्टाइल को सेट करेंगे कि कहीं से भी आपका जो हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए। और एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक नहीं खुलेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ओके, अब ये हमारा बन बन के रेडी हो गया है। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहनो, जो भी चाहिए वो पहन सकते हो। अब आपको लेना है हेयर सेटिंग्स पे, देन कॉम के ऊपर इस तरीके से डालना है और बैक से जितने भी बेबी हेयर्स हैं उनको सेट कर लेना है, क्योंकि बैक से जो हेयर्स निकलते हैं वो अच्छे नहीं लगते, हमारे हेयर स्टाइल को ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारा बैक से सेट हो गया। फ्रंट से जैसे छोटे छोटे जो हेयर्स दिखते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपको उसके लिए इस तरीके से सेटिंग स्प्रे को डायरेक्ट अपने बालों पे अप्लाई कर देना है और बस हल्का हल्का कॉम से टच कर देना है ताकि जो आपके हेयर हैं बेबी हेयर्स वो अच्छे से सेट हो जाएँ। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। डोनेट बन के साथ, पैड बन के साथ आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनके भी छोटे पतले हल्के बाल हैं उनको ये हेयर स्टाइल शेयर कीजिएगा। शादियों का सीज़न चल रहा है, पार्टी का सीज़न चल रहा है, तो ये हेयर स्टाइल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ आप चाहो तो आर्टिफिशियल गजरा या फिर गजरा नेल पसंद आता है तो यू पिंस जो आते हैं फ्लावर्स वाले यू पिन इस टाइप के वो ऐड कर सकते हो हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चाहो तो इस टाइप का जो क्लिप आता है इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर नीचे में ऐड करोगे तो और भी अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।